पंजाब के भटिंडा जिले में 12 अप्रैल की सुबह आर्मी कैंप में फायरिंग का मामला सामने आया है। ये घटना तड़के करीब 4:30 बजे की है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत होने की भी जानकारी सामने आ रही है। क्विक रिएक्शन टीम मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फायरिंग की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। किसने फायरिंग की, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी भी लगातार खोजबीन जारी है। आर्मी के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार सुबह 4:35 पर यह फायरिंग हुई। इलाके में क्विक रिएक्शन टीम को सक्रिय कर दिया गया है और फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार आर्मी कैंप भटिंडा जीओ मेस में यह फायरिंग हुई है। आर्मी कैंप के सभी एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले करीब 2 दिन पूर्व एक इंसास राइफल सहित 28 कारतूस भी यहां से गायब हो गए थे। सेना फिलहाल स्थानीय पुलिस को कैंट इलाके में नहीं घुसने दे रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर आर्मी कैंप पर यह हमला किसने किया, क्यों किया।